ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਫਰੋਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ YouTube ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਊਗੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਰਬ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ओके जे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा तो एक्टिव सेंटेंस हैगा एक्टिव सेंटेंस दे विच हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके लिए तुम्हें थोड़े जे टेंसेस तो क्लीयर होना पड़ेगा है ना एक्टिव सेंटेंस दे विच हमेशा ही हैल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा है ना जे हैल्पिंग वर्ब दे विच इज ए मार आ रहा हैगा या कंटीन्यूअस सेंटेंस हैगा या तो आई एन जी आ जाएगा हैज हैव हैड आ रहा हैगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके लिए तुम्हें थोड़ा जिहा टेंसिस तो अवेयर होना पड़ेगा बट जे तुम्हें टेंसिस की नॉलेज नहीं हैगी विदाउट टेंसिस तुम करना चाहते हो तो फिर तुम यह रूल्स इंप्लीमेंट करके काफ़ी हैल्प मिल जाएगी है ना उसके लिए सब तो पहला की करना है जे टू आ रहा तो कोशिश करो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी विदाउट एस और ई एस फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू गो टू पार्क वी प्लैन टू विजिट अफ्रीका आई लव टू रीड बुक्स ओके तो कोई भी सेंटेंस दे जे टू आ रहा उस तो बाद जी वर्ब आएगी वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस और ई एस ई डी आएगी ओके तो सैकेंड रूल जोड़ा हैगा आ वो हैगा आ जे थोड़े रीडिंग दे कोई भी ब्लैंक आ रही है फॉर या वाइल तो बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखियो फॉर या वाइल तो बाद कोई भी थोड़ा ब्लैंक आ रही हैगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो थर्ड रूल हैगा जे मॉडल्स लगे हुए आ फॉर एग्जाम्पल कैन गुड मे माइट विल इदा का कोई भी लगे हुए मॉडल तो वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आऊगी ओके बट जे मॉडल्स के नाल बी लगा हुआ कुड बी शुड बी वैल बी वुड बी तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आऊगी इस चीज़ का ध्यान रखना ओके तो नैक्सट रूल हैगा आ कि जे थोड़े सेंटेंस के हैज हैव हैड लगा हुआ उस तो बाद ब्लैंक दिती हैगी ध्यान रखना हैगा वो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सेंटेंस न प्लीज़ चैक कर लियो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ही कोई भी जिसे मगर ई डी लगा हो वर्ड के वह वर्ड ही उस ब्लैंक फिल करना जो तुम्हें ज़्यादा अंडरसटैंडिंग नहीं हो रही तो जे हैज हैव हैड के नाल बीन लगा हुआ तो आई एन जी लगेगा बट जे पैसिव सेंटेंस आ स्टिल उहदे विच वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही आऊगी नैक्सट रूल हैगा कि कोई भी इज एम आर तो बाद वर्ब आ रही है तो उहदे विच हमेशा ही आई एन जी आएगी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी सच एज शी इज वॉचिंग टी वी ही इज गोइंग टू स्कूल ओके कोई भी सेंटेंस जिद इज एम आर आ रहा हैगा हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ओके नैक्सट रूल हैगा जे सेंटेंस के वॉज वर लगा हुआ सैकेंड फॉर्म लगी है तो उस तो अगे जी ब्लैंक आएगी हमेशा ही वर्ब की सैकेंड फॉर्म के आएगी और मगर ई डी लगा होगा तो यही कुछ रूल्स हैगे जिन्होंने तुम इंप्लीमेंट करके रीडिंग कुछ परसेंट अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो रेस्ट तुम रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहो सेंटेंसिस रीड करते रहो तो ऑटोमैटिकली थोड़ी रीडिंग की इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो एक चीज़ होर हैगी जो तुम सीरीयस होकर टेस्ट के 90 out of 90 लेना चाहते हो अपनी रीडिंग के तो थोड़ी जी अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश करो जो थोड़ी वोकैबुलरी इंप्रूव होएगी तो डेफिनेटली स्कोर्स बहुत वधिया होंगे रीडिंग। थैंक यू।